कांग्रेस झूठी घोषणाओं की वादों की एक ऐसी एटीएम मशीन है जिसमें किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। इसके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इनके नेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, क्योंकि मकसद होता है सत्ता में आना और फिर उन वादों को भूलकर लूट मचाना। चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, आज दोनों ही राज्यों में हर वो शख्स पछता रहा है जिन्होंने झूठे कांग्रेसियों की बातों में आकर उन्हें वोट दे दिया। आज न राजस्थान के युवा को नौकरी मिल रही है, न किसानों का कर्जा माफ हुआ है, न महिलाएं बेखौफ होकर घर से निकल सकती हैं, और न ही गरीब को दो वक्त की रोटी नसीब है। और तो और, ये कांग्रेसी इतने गिरे हुए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने के बारे में ही सोचा। जो मास्क किसी व्यक्ति की जान बचा सकता था उसकी परवाह किए बगैर पैसों की भूखी कांग्रेस सरकार ने जयपुर के एक अस्पताल से 11 करोड़ की कीमत के मास्क गायब कर दिए। ऐसा ही हाल है छत्तीसगढ़ का, जहां कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ छल किया है, न किसानों का कर्जा माफ किया, और तो और सरकार बनते ही बच्चियों को स्मार्टफोन मिलने वाली योजना को भी बंद कर दिया। चुनावी घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले इस कांग्रेस की ही सरकार में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस भी राज्य में ये जाते हैं उसे बीमारू राज्य बना देते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को 3 सालों में यह समझ आ चुका है कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादों के दम पर ही सत्ता हासिल करती है, और अब इन चोरों का निशाना उत्तर प्रदेश की ओर है। यहाँ भी इन्होंने अपने झूठे वादों का पिटारा खोल दिया है। यूपी वालों, इन भैरूपियों से जरा बचकर ही रहना और इनके बहकावे में ना आना।